नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड एकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों आज का हमारा डिक्टेशन है आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका RSM SSB स्टेनोग्राफर हिंदी डिक्टेशन गति 100 शब्द प्रति मिनट। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। उपसभापति महोदय, कुछ दिन पहले मैंने जब आपको संबोधित किया था तो हमारी अर्थव्यवस्था को जो बीमार पड़ गई है स्वस्थ बनाने के लिए साहसी उपायों का वचन दिया था। उस वचन को पूरा करने के लिए हमने इधर कुछ प्रारंभिक कदम उठाए हैं। यह केवल प्रारंभ है, कई और कदम निकट भविष्य में उठाए जाएंगे और सुधार का यह सिलसिला हम जारी रखना चाहेंगे। पिछले 18 महीनों में हमारा आर्थिक ढांचा कुछ अस्त व्यस्त हो गया था, समय पर निर्णय नहीं लिए गए और स्थिति बिगड़ती गई, भुगतान संतुलन गड़बड़ा गया, इसके साथ खाड़ी संकट आया और परिणाम यह हुआ कि हमारे भारतीय भाई बहन जो अन्य देशों में रहते हैं उन्होंने हमारे पास पैसा भेजना या हमारे बैंकों में पैसा जमा करना बंद कर दिया। हमारे ऋण दाता जो पहले बड़ी सरलता से ऋण देने को तैयार होते थे अब कतराने लगे और भारत की विदेश मुद्रा का भंडार एकदम घट गया। हमारे पास आवश्यकता की चीजें जैसे डीजल, मिट्टी का तेल, इस्पात आदि खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा नहीं रही। पैरा, जब हम सत्ता में आए तो देश में एक अभूतपूर्व आर्थिक संकट से गुजर रहा था और इस खतरनाक बीमारी को दूर करने की आवश्यकता थी। जब खतरनाक बीमारी आती है तो इसके इलाज में संकोच से काम नहीं चलता, साहस बटोरकर सख्ती से इलाज करना पड़ता है और इसके लिए जो भी कठोर कदम उठाने चाहिए उन्हें उठाना पड़ता है। आज हम यही कर रहे हैं। इधर रिजर्व बैंक ने रुपए का मूल्य बदला है, उद्देश्य है कि देशवासियों को अपना माल विदेश में बेचने की अधिक सुविधा हो, उनको बढ़ावा मिले और विदेशी व्यापार में हमारा जो घाटा होता आया है वह घाटा कम किया जाए, बल्कि घाटा पूरा ही हटा दिया जाए। देश में कई चीजें हम बनाते हैं जैसे तैयार वस्त्र, चमड़े की वस्तुएं, इंजीनियरी की वस्तुएं, इन सब की बिक्री विदेशों में होनी चाहिए। रिजर्व बैंक ने जो कदम उठाया है उससे इसमें बड़ी आसानी होगी और विदेशी बाजारों में हमारी वस्तुएं जगह पाएंगी और अधिक बिकने लगेंगी। विदेशी मुद्रा के साथ साथ इन वस्तुओं को बनाने की प्रक्रिया में हमारे देश में रोजगार बढ़ेगा जिससे लाखों को लाभ होगा। विदेशी मुद्रा हम क्यों चाहते हैं? हम विलासिता की चीजें बाहर से नहीं लाना चाहते, हम चाहते हैं ऐसी लाएं जो हमारी गरीब जनता के लिए आवश्यक है, जैसे मिट्टी का तेल, डीजल, इस्पात और खाद्य तेल, इसी तरह की चीजें जिनकी आज हमारे देश में कुछ कमी है। यह नहीं है कि हम उत्पादन नहीं करते, अवश्य करते हैं और उत्पादन बढ़ाने के हम हर संभव प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन आज जो स्थिति है उसके चलते हमारा उत्पादन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए
काफी नहीं है, इसलिए कुछ समय तक हमें कठिन परिश्रम करना होगा और इन चीजों का भी आयात करते रहना होगा। पैरा उपसभापति महोदय, रुपए के मूल्य में जो परिवर्तन हुआ है उससे अनावश्यक चीजों के आयात को घटाने में सरलता होगी और हमारी मुद्रा के भविष्य के बारे में जो विश्व भर में गलत फहमियां फैल रही थी वह दूर हो जाएंगी। हमारे जो भाई बहन बाहर हैं, जिनको हम NRI कहते हैं, उनके मन में विश्वास उत्पन्न हो जाएगा और हमारे बैंकों में अपना धन रखने में वे फिर कोई आनाकानी नहीं करेंगे। इसके साथ साथ हमने देश की व्यापार नीति में बुनियादी परिवर्तन शुरू किए हैं। इन परिवर्तनों का मूल मंत्र सीधा साधा है। हम कहना चाहते हैं कि यदि निर्यात नहीं करते तो आप आयात भी नहीं कर सकते। हमने लाइसेंस में बहुत कटौती की है क्योंकि निर्यात में इनसे काफी रुकावट होती थी। निर्यात में नकद सहायता हमने बंद कर दी क्योंकि यह पैसा अब उन लोगों को देना आवश्यक नहीं था। इसी पैसे को हम कल्याण के कार्य में खर्च कर सकते हैं, रोजगार उपलब्ध कराने के कामों में खर्च कर सकते हैं और उसका सदुपयोग और क्षेत्रों में कर सकते हैं। पैरा, हमारा लक्ष्य है भारत को आत्मनिर्भर बनाना। यह आत्मनिर्भरता कोई कोरा नारा नहीं है, इसका अर्थ यही है कि निर्यात से आय कमाइए और उसी कमाई से आयात की जरूरत पूरी करिए। हम किसी से दान नहीं चाहते, हम व्यापार चाहते हैं क्योंकि मुक्त आर्थिक सहायता जब मिलती है तो वह एक बैसाखी बन जाती है और उससे पराधीनता बढ़ जाती है। जब हम व्यापार करते हैं तो हम आत्मनिर्भर बनते हैं और भारत, आप जानते हैं, हजारों वर्षों से व्यापार करता रहा है। राजीव गांधी ने वर्ष 1984 में सत्ता ग्रहण की थी। उन्होंने फौरन यह पता लगाया कि हमारे सोचने और काम करने के पुराने तौर तरीके एकदम बदलने चाहिए, तभी हमारे देश में प्रगति होगी। बुनियादी आर्थिक परिवर्तन और सुधार अत्यंत आवश्यक है, उन्होंने इसे समझा और जिस काम को उन्होंने शुरू किया हम उसी को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने अपने पहले भाषण में आपके सामने एक कार्य सूची की रूपरेखा रखी थी। 24 जुलाई को हमारा बजट संसद के सामने आएगा। उस बजट में सरकार की सामाजिक और आर्थिक सोच को स्पष्ट किया जाएगा। उसकी कुछ झांकियां हमारे उठाए गए कदमों में भी आपको मिल सकती है। यह रूपरेखा क्या है? मोटे तौर पर आपके सामने 2-3 विषय रखना चाहता हूं। हम समझते हैं कि आर्थिक गतिविधियों को रोकने वाले कुछ नियम और विनियम हमारे देश में बहुत समय से चल रहे हैं। जब वे बनाए गए थे तो अच्छे थे या नहीं, उस पर चर्चा में नहीं जाना है, लेकिन आज जब उनकी उपयोगिता नहीं रही
तो हम चाहते हैं कि उन नियमों और विनियमों को हम हटा दें, जहां तक हो सके हम कम कर दें। हमारी आर्थिक व्यवस्था में जो प्रवाह है उसमें यह रुकावट न बने, पूर्ण विराम। आशा करते हैं आप सभी को डिक्रिएशन पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद।